नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को देशभक्त बताना बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को महंगा पड़ गया है। संसदीय कार्यक्रम प्रहलाद जोशी ने साध्वी प्रज्ञा को रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति से निकाल दिया है। इसके साथ ही सत्र के दौरान होने वाले बीजेपी संसदीय दल की बैठकों में भी साध्वी प्रज्ञा को नहीं आने का फरमान सुनाया गया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर बीजेपी ने कार्रवाई कर दी है। उन्हें डिफेंस कमेटी से हटा दिया गया है। इसके साथ ही पार्टी से बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। अपने खिलाफ हुई कार्रवाई के साथ साध्वी प्रज्ञा ने ट्विटर पर कहा, कभी कभी झूठ का बवंडर इतना गहरा होता है कि दिन में भी रात लगने लगती है, किंतु सूर्य अपना प्रकाश नहीं खोता। पल भर के बवंडर में लोग भ्रमित ना हो, सूर्य का प्रकाश स्थायी है। सत्य यही है कि कल मैंने उद्धम सिंह जी का अपमान नहीं सहा, बस। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के द्वारा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को देशभक्त बताने पर राजनीतिक बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साध्वी पर हमला करते हुए ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा, आतंकी प्रज्ञा ने आतंकी गोडसे को देशभक्त बताया। भारत की संसद के इतिहास में ये एक दुखद दिन है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा पर पार्टी के एक्शन से कांग्रेस खुश नहीं है। आज सदन में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को एक आतंकवादी पार्टी कहा जाता था, जिस पार्टी से हजारों नेताओं ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था। अब क्या हो रहा है? क्या सदन इस पर चुप रहेगा? महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहा गया। इस बीच AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश कर दिया है। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने नियम तोड़े हैं, संसद में गोडसे गिरी हो रही है। प्रज्ञा ने गोडसे की तारीफ कर नियम 349 और 352 का उल्लंघन किया है। उन्होंने आतंकवाद की तारीफ की है। महाराष्ट्र में सीएम पद की शपथ लेने से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने इस दौरान उद्धव ठाकरे को बधाई दी और कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए केंद्र की ओर से पूरी सहायता दी जाएगी। महाराष्ट्र में आज शिवसेना एक नया इतिहास रचने जा रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। वह ठाकरे परिवार के ऐसे पहले सदस्य हैं जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज शाम शपथ ग्रहण समारोह है। जिस मंच पर उद्धव ठाकरे शपथ लेंगे उसे बिल्कुल उस अंदाज में बनाया गया है जिस अंदाज में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शपथ ली थी। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज कहा गया कि महाराष्ट्र में बनने वाली सरकार के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं करेगी। पिछले एक माह में अनेक उलटफेर के बाद महाराष्ट्र में आज से ठाकरे राज की शुरुआत होने जा रही है। शिवसेना, NCP और कांग्रेस का गठबंधन महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने को तैयार है। पश्चिम बंगाल की 3 और उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। बंगाल की खड़गपुर सदर विधानसभा और कालियागंज सीट से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। वहीं करीमपुर सीट से भी TMC प्रत्याशी को बढ़त मिल रही है। वहीं उत्तराखंड की पिथौरागढ़ सीट पर BJP उम्मीदवार चंद्रा पंत ने कांग्रेस की अंजू लुंठी को 3,267 वोटों से हरा दिया है। हरियाणा के वरिष्ठ IAS अशोक खेमका का 53वीं बार तबादला हुआ है और उसके पीछे की वजह है महाराष्ट्र की राजनीति पर उनका ट्वीट। जी हां, तबादले से पहले IAS खेमका ने महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम पर ट्वीट किया था। अशोक खेमका ने तंज कसते हुए कहा था कि विधायकों की खरीद फरोख उन्हें बंधक बनाना सभी जनसेवा के लिए की जाती है। जनसेवा जैसा सुअवसर छोड़ा नहीं जाता। वंचित रहने से हृदय में पीड़ा जो होती है, होने दो, खूब द्वंद होने दो, साझेदारी में तो मिल बांट कर जनसेवा की जाएगी। अयोध्या केस में मुस्लिम पक्ष के वकील रहे राजीव धवन ने विवादित बयान दिया है। धवन ने कहा कि देश में शांति बिगाड़ने का काम मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू करते हैं। हालांकि इसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में बस के आगे का हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम पहुंची, घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करण जौहर, अनुराग कश्यप, जोया अख्तर और दिवाकर बनर्जी की सुपर टीम एक बार फिर साथ काम करती नजर आ रही है। ये डायरेक्टर्स की टीम नेटफ्लिक्स के लिए भूतों की कहानियां लाने वाले हैं। ये सभी मिलकर घोस्ट स्टोरीज बना रहे हैं और इस फिल्म को अब रिलीज डेट मिल गई है।
ये घोस्ट स्टोरीज 1 जनवरी 2020 को शुरू होगी। करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर ये जानकारी दी। इसके अलावा करण ने इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी शेयर किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया।